हेलो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि ACL में किस किस तरीके के स्क्रूज लगाए जा सकते हैं? यदि हाँ तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और मैं आपको बताऊंगा कि ACL में कौन कौन सी क्वालिटी के स्क्रूज यूज़ करते हैं और आपके लिए कौन सा स्क्रू सबसे बेस्ट है। हेलो दोस्तों, ACL की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज इंडिया की सबसे बेस्ट होटलों में से एक माने जाने वाली उदय विलास होटल में था और मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं आपको तरह तरह के जो स्क्रूज ACL के बारे में आते हैं उनके बारे में आइडिया दूं। आप पीछे जो व्यू देख रहे हैं दोस्तों, ये खूबसूरत पिछोला झील है और उसके पीछे जो दिख रहे हैं वो लेक पैलेस और सिटी पैलेस का व्यू है। ACL दोस्तों हमारे घुटने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिगामेंट है। जैसा कि आप मेरे चैनल पर फॉलो करते हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि मैं ACL की छोटी से छोटी बात को भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। उसका मेरा मकसद ये रहता है ताकि जब आप ACL की सर्जरी के बारे में डिसीजन ले रहे हों तो किसी किस्म की कोई गलती ना कर दें। दोस्तों, ACL को फिक्स करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी जो सबसे कॉमन यूज़ किया जाता है वो है बायोस्क्रू एंडो बटन टेक्नोलॉजी, जिसमें नीचे बायोस्क्रू यूज़ किया जाता है और ऊपर की साइड एंडो बटन लगाया जाता है। अब दोस्तों, बायोस्क्रू बहुत सारी वेराइटीज़ के आते हैं। बेसिकली जो स्क्रूज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो टाइटेनियम स्क्रू होता है। टाइटेनियम स्क्रू दोस्तों वो होता है जो कि मेटल का बना हुआ होता है और ये अपने आप डिसॉल्व नहीं होता। पहले के ज़माने में तो जब पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसमें टाइटेनियम स्क्रू ही यूज़ किया जाता था और टाइटेनियम स्क्रू के जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे रहते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि एक तो वो मेटल का बना हुआ होता है तो कई बार वो ग्राफ्ट को काट सकता है और दूसरा उसका एक नुकसान ये रहता है कि फ्यूचर में कभी कभी उसको निकालना भी पड़ सकता है। ऑल इनसाइड टेक्नोलॉजी में दोस्तों जो एंडो बटन यूज़ किए जाते हैं ऊपर और नीचे, वो भी टाइटेनियम के बने हुए होते हैं और वो भी कभी डिसॉल्व नहीं होते और फ्यूचर में उनको भी निकालना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे बायोस्क्रू के बारे में। दोस्तों, बायोस्क्रू टेक्नोलॉजी एक ट्राइड और टेस्टेड टेक्नोलॉजी है और जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं जिनको आप देखते हैं, क्रिकेट स्टार्स हैं, ज़्यादातर बायोस्क्रू एंडो बटन टेक्नोलॉजी ही काम में लेते हैं। इसकी वजह ये रहती है कि ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी 20-25 साल से बढ़िया रिजल्ट दे आ रही है। जब हम उनको कहते हैं कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो वो कहते हैं कि सर, हम जब ऑलरेडी बेस्ट रिजल्ट बायोस्क्रू एंडो बटन के हैं तो हम अपने साथ एक नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। पता नहीं कोई नई टेक्नोलॉजी यूज हो तो आज के 6 महीने साल भर बाद अगर दिक्कत आई तो कौन संभालेगा, इसलिए आप हमारे लिए वही टेक्नोलॉजी यूज कीजिए जो स्टैंडर्ड है, जो ट्राइड है, टेस्टेड है और जिसमें आपके बेस्ट रिजल्ट हैं। तो दोस्तों, बायोस्क्रू जो थे वो शुरू में पीक मटेरियल के आया करते थे। पीक मटेरियल दोस्तों ऐसा मटेरियल होता है जो अपने आप डिसॉल्व नहीं हो पाता और डिसॉल्व होता है तो मटेरियल अच्छा नहीं बन पाता या कई बार उसकी वजह से डिस्चार्ज निकलता है। धीरे धीरे समय के साथ बायोस्क्रू टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है और आजकल जो स्क्रू आते हैं दोस्तों वो बने होते हैं HA यानी हाइड्रोक्सी एपेटाइट के। HA के बने बायोस्क्रू दोस्तों मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, कम से कम 10 साल तो मुझे यूज़ करते हुए हो गए हैं और आज तक एक भी सिंगल केस में भी कोई दिक्कत नहीं आई है। आप मेरी एवरेज मान सकते हैं कि मैं डेली 6 से 7 ACL सर्जरी करता हूं, तो आप सोच सकते हैं कि कितने ACL का मुझे एक्सपीरियंस हो गया होगा। काफ़ी सारे चैनल हैं जो ऐसे भ्रामक प्रचार करते हैं कि बायोस्क्रू टूट जाएगा, बायोस्क्रू घुलेगा नहीं, बायोस्क्रू से ये हो जाएगा, बायोस्क्रू से वो हो जाएगा। दोस्तों, मैं कहूँगा कि इस तरह की नकारात्मकता पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अगर इतनी सब नकारात्मकता है तो सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं क्यों हमेशा बायोस्क्रू टेक्नोलॉजी ही करवा रहे हैं? तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ तो उनको कहें कि हमें बायोस्क्रू HA का यूज़ करिए, वो सबसे बेस्ट स्क्रू होता है। दोस्तों, बायोस्क्रू HA बनाने वाली काफ़ी सारी कंपनियां इंडिया में मौजूद हैं। 3-4 अच्छी कंपनियां जिनके नाम मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक सबसे अच्छी कंपनी है दोस्तों स्मिथ एंड नेफ्यू कंपनी जो बायोस्क्रू HA बनाती है। दूसरी कंपनी है दोस्तों माईटेक जो बायोस्क्रू HA बनाती है। तीसरी कंपनी दोस्तों जो मेरी जानकारी में है वो है आर्थ्रेक्स जो बायोस्क्रू HA बनाती है। इन सब के जो HA स्क्रू है दोस्तों वो अलग अलग नाम से आते हैं लेकिन उनका मकसद यही होता है कि वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट के बने हुए होते हैं। हाइड्रोक्सी एपेटाइट दोस्तों वो मटेरियल है जो कि स्क्रू के ऊपर की जो कवरिंग है वो कवर करता है और बेसिकली हमारी जो बोन्स हैं वो भी हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती हैं। तो HA की बोन बनने का मतलब ये हो गया कि जो स्क्रू है वो बॉडी में जाते ही एकदम बोन की तरह बिहेव करेगा, वो हमेशा अपने बोन की तरह ही बिहेव करेगा, ना तो वो एक्सरे में दिखाई देगा ना फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम देगा। तो दोस्तों, अगर आपको ACL की टियर है और आप सर्जरी कराने का प्लान कर रहे हैं तो आप बायो HA स्क्रू को ही यूज़ कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो नीचे लिखे गए नंबरों पर आप मेरी रिपोर्ट, आपकी जो MRI रिपोर्ट है मुझे भेजिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। थैंक यू दोस्तों।